हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस समय ये लेक्चर देख रहे हैं। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू द चैप्टर ऑफ टीडीएस एंड अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द चैप्टर ऑफ एडवांस टैक्स। बेटा, टीडीएस के चैप्टर के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इवन दो एडवांस टैक्स में कोई बहुत ज्यादा मेजर अमेंडमेंट कुछ नहीं है, अगर हम लोग डिस्कस ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। बहुत छोटा सा एक अमेंडमेंट है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, टीडीएस के अंदर कुछ जरूरी अमेंडमेंट्स हैं। टीडीएस के अंदर पहले अमेंडमेंट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। हम सबको बड़े अच्छे से याद है, हम लोग एक सेक्शन किया करते हैं, दैट इज सेक्शन 194I जो सेक्शन है, दैट इज रिलेटेड टू टीडीएस ऑन द रेंटल इनकम। मान लेते हैं आप मकान मालिक हैं, मैं किराएदार हूं, आप लैंडलॉर्ड हैं, मैं टेनेंट हूं। तो जब मैं एज ए टेनेंट आपको रेंट पे करूंगा, तो मैं रेंट पे करने से पहले कुछ अमाउंट का टीडीएस कट करके बाकी का रेंट आपको पे करूंगा। लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन ये है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हूं, और मेरे अगर पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी है, तो मैं इस साल टीडीएस करने के बाद ही आपको बाकी का रेंट पे करूंगा। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई और मेरा स्टेटस है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो ऑडिट वाली कंडीशन मेरे लिए अप्लाई नहीं होती है। दूसरी कंडीशन 194I की, रेंटल अमाउंट 1,80,000 से ज्यादा है तो मैं टीडीएस करूंगा, 180 से कम है तो टीडीएस नहीं करूंगा। तीसरी कंडीशन, रेट 2% का या 10% का अप्लाई होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि एसेट का नेचर क्या है। दोस्तों, 194I के बाद एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट इस साल इन्होंने किया, अरुण जेटली साहब ने, 194IB सेक्शन इंट्रोड्यूस करके। 194IB सेक्शन जो है, ये 194IB सेक्शन ये बताता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो रेंट पे कर रहा है, लेकिन वो रेंट पे कर रहा है नॉट फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, 194I की बात करें, 194I में क्या था कि मैं जो आपको रेंट पे कर रहा हूं, तो मैं रेंटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, वो जो रेंट मैं आपको पे कर रहा हूं, वो मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है, मैं उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं। लेकिन 194IB कहता है कि चाहे वो मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो भी मेरे को टीडीएस करना होगा। उदाहरण के तौर पे, मैं अपने एक रेसिडेंशियल हाउस के लिए, आपको मैं रेंट पे कर रहा हूं, आप मकान मालिक हैं, आप लैंडलॉर्ड हैं, मैंने आपका मकान किराए पे लिया हुआ है और मैं रेसिडेंशियल हाउस में रहता हूं, उसके लिए मैं आपको रेंट पे कर रहा हूं, तो भी मेरे को टीडीएस करना होगा। नाउ दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन 194I एंड 194IB। यह सेक्शन आया 194I में लिमिट है 1,80,000 पे, जहां पे या एनुअल या मंथली की कोई बात नहीं होती है। 194IB जो नया सेक्शन बना, उसके अंदर इन्होंने लिमिट लगा दी 50,000 पे पर मंथ, 50,000 पे पर मंथ। दूसरी बात, 194I जो सेक्शन था, दैट वाज प्योरली एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर फॉर द टेनेंट। मैं किराएदार हूं, मैं आपको रेंट पे कर रहा हूं, तो वो रेंट जो मैं पे कर रहा हूं, वो मेरे लिए प्योरली बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए। लेकिन 194IB क्या कहता है कि अगर वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है तो भी, अगर वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है तो भी टीडीएस करना जरूरी है। अब यहां पे परेशानी आ गई। आप इसे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, सर मान लीजिए अगर रेंट बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो जो किराएदार रेंट पे कर रहा है, वो टीडीएस कौन से सेक्शन में करेगा, 194I में करेगा या 194IB में करेगा? सुनेगा ध्यान से, बात आएगी सिर्फ, दिक्कत आएगी सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अंडरवाइडेड फैमिली की।
184I क्या कहता है उसको ध्यान से रखिएगा। 184I कहता है कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टीडीएस तब करेगा जब पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी नहीं था तो इस साल टीडीएस करना जरूरी नहीं है अंडर 194I। अरुण जेटली साहब ने कमाल की चीज कर दी। अरुण जेटली साहब ने कहा ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो 194I में कवर नहीं हो रहे उनको मैं कवर कर दूंगा 194IB के अंदर। कहने का मतलब वो इंडिविजुअल, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनका पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी था वो तो आगे 194I में, जिनका पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना जरूरी नहीं था वो आगे नए सेक्शन के अंदर 194IB के अंदर, चाहे वो बिजनेस एक्सपेंडिचर हो चाहे वो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो। ठीक है जी, तो कहने का मतलब भाई अब तो हर केस में टीडीएस करना ही करना है, बच नहीं सकते। ये है जी आपका नया सेक्शन। इसके अंदर अभी भी कुछ और बातें हैं, जैसे कि टीडीएस कब करना है। टीडीएस करना है, मैं 184IB की बात कर रहा हूं। टीडीएस कब करना है, टीडीएस करना है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, या फिर जिस समय आपने लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्रेडिट कर दिया विच एवर इज अर्लियर। अब आप सारे दोस्त यार जो मेरे बैठे हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स मेरे बैठे हुए हैं, आपको याद होगा जब मैंने टीडीएस का चैप्टर करवाया था तो मैंने जर्नल एंट्रीज करके आपको बताई थी कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर का मतलब क्या है। जर्नल एंट्रीज करवाई थी, एक बार अपने क्लास नोट देखिएगा। 194C कहा मैंने, 194C सेक्शन में पहली बार जब ये बात आती है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, वहां पर जर्नल एंट्रीज करी हुई है। और जर्नल एंट्रीज करके मैंने आपको सिखाया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। जिसको परेशानी हो मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं अपने क्लास नोट्स की फोटोग्राफ क्लिक करके व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा, समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे 194IB के अंदर इन्होंने क्रेडिट का मतलब बदल दिया। अरुण जेटली साहब ने इन्होंने कहा है भाई क्रेडिट का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि साल के आखिरी महीने के अंदर जब पेमेंट, जब क्रेडिट हो रहा तब देखेंगे, या फिर जिस समय मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आपको परेशानी हुई तो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूरे साल रेंट पे नहीं किया, पूरे साल पेमेंट ही नहीं करी रेंट की, तो साल के आखिरी महीने को हम लोग क्रेडिट देखेंगे। या फिर जिस समय किराएदार प्रॉपर्टी को खाली कर रहा है, वेकेट करके जा रहा है, उस आखिरी महीने को हम लोग चेक करेंगे। कैसे करेंगे आइए इसके लिए हम लोग यहाँ पे जरा नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगा, बाकी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एक बार आप देखिएगा। कोई डाउट अगर आपको आए तो आप मेरे साथ इन टच हो जाइएगा थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल्स, थ्रू ईमेल्स। ईमेल्स की बात बताता हूँ, ये जो मैंने यूट्यूब के ऊपर ये अपने अमेंडमेंट्स डाले हैं, तो केरला से एक स्टूडेंट हैं गुरमीत कौर, केरला। गुरमीत अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो बच्चे आपको जो भी डाउट्स आए आपने मेरे को ईमेल्स पे पूछे एंड मैंने आपको रिप्लाई किए, होपफुली यू हैव गॉट द रिप्लाइज एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द रिप्लाइज। गुरमीत इफ यू हैव स्टिल यू हैव एनी डाउट्स यू आर मोस्ट वेलकम टू क्लैरिफाई मोर डाउट्स ऑन द ईमेल्स। ठीक है बेटा, आइए लेट अस स्टार्ट विद दिस। टीडीएस का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, नया सेक्शन 194IB। Let us start with all practical questions. इसको start करते हैं 194IB को। मैंने आपको difference बताया है, what is the difference between 194I and 194IB? Let us start with this. Let us start 194I and 194IB. TDS नया section है, new section. TDS on rent of land or building or both 194IB. तो ध्यान देना 194I कहता है प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर के ऊपर भी टीडीएस हो सकता है। 194IB कहता है सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के ऊपर होगा। तो एक और डिफरेंस आ गया हमारे पास।
194 I land, building, plant and machinery, furniture. 194 IB कहता है लैंड और बिल्डिंग सिर्फ, पेयर जो पैसा दे रहा है. इट कैन बी एनी इंडिविजुअल, इट कैन बी एनी हिंदू अनडिवाइड फैमिली. 194 I कहता है इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी एनी पर्सन अदर देन दोस हु आर रेफरेंस अंडर 194 I. तो याद रखिएगा इंडिविजुअल और रेशियो ऑफ 194 I में कौन से कवर होते हैं. 194 I में वो कवर होते हैं जिनका पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी था. तो यहां पे लिखा है अदर देन दोस हु आर कवर्ड अंडर 194 I, दैट मींस जिनका पिछले साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी नहीं था उनके बारे में यहां पे बात हो रही है. पेई, पेई कौन हो सकता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल. पेई का मतलब है जिसको रेंट मिल रहा है, जिसको रेंट मिल रहा है, दैट कैन बी एनी रेसिडेंट पर्सन. टीडीएस ऑन, टीडीएस किस चीज के ऊपर करेंगे. TDS होगा रेंट, रेंट फॉर लीज, सब लीज, टेनेंसी, फॉर यूज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ. किराया जो बिल्डिंग से रिलेटेड है उसकी बात कर रहे हैं. टाइम ऑफ TDS, TDS किस समय करना है. TDS हैज टू बी डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, व्हिच एवर इज अर्लियर. नाउ द इशू अराइजेस कि भाई क्रेडिट का मतलब क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्रेडिट, क्रेडिट से हमारा मतलब क्या है. अरुण जेटली साहब ने क्रेडिट का मतलब ही बदल दिया. यहाँ पे इन्होंने कहा क्रेडिट से हमारा मतलब है क्रेडिट ऑफ रेंट ऑफ द लास्ट मंथ, आखिरी महीना ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना, या फिर लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, किराएदारी का आखिरी महीना, इफ द प्रॉपर्टी इज वेकेंटेड ड्यूरिंग द ईयर. अगर किराएदार प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहा है तो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना, अगर किराएदार प्रॉपर्टी खाली करके जा रहा है तो जिस महीने में वो खाली कर रहा है उस महीने को हम लोग मान लेंगे यहाँ पे क्रेडिट ऑफ रेंट. कैसे होगा अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं. TDS का रेट क्या होगा, TDS का रेट होगा 5%, 194 I में होता था 10% या फिर 2% डिपेंडिंग अपॉन द एसेट. एग्जम्पशन 194 I में एग्जम्पशन है 1,80,000 रुपए का, यहां पे एग्जम्पशन आ रहा है 50,000 रुपए पर मंथ का, 50,000 रुपए पर मंथ. टैन ऑफ द पे, हाँ ये एक बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट इन्होंने निकाला. आपको याद होगा जब हम लोग TDS का चैप्टर स्टार्ट करते थे तो स्टार्टिंग में ही मैंने हमेशा एक कंसेप्ट बताया सेक्शन 206AA का. सेक्शन 206AA हमें बताता है कि अगर पेई, दैट मीन जिसको रेंट, जिसको इनकम मिल रही है, वो हमेशा अपना पैन नंबर पेयर को इन्फॉर्म करेगा. और मान लीजिए अगर इसने अपना पैन नंबर इन्फॉर्म नहीं किया है तो जो पेयर है वो पेयर TDS काटेगा एट द रेट विच इज 20% या फिर द रेट गिवन इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन विच एवर इज हायर. अगर पैन नंबर इन्फॉर्म कर दिया फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो जो रेट मेंशन्ड है उस रेट के ऊपर वो TDS काट लेगा. नाउ हियर कम्स वन अजीबो गरीब सी बात जो अरुण जेटली साहब ने कर दी. अरुण जेटली साहब ने कहा इस सेक्शन के अंदर 194 IB के अंदर कि अगर पैन नंबर इन्फॉर्म नहीं करेगा तो हम लोग TDS किस रेट पे काटेंगे. ध्यान से पढ़िएगा बेटा. As per section 206AA, जो normal provision है उसकी बात कर रहा हूं मैं. As per section 206AA, if the payee does not furnish his or her PAN to the payer, the TDS is done at the rate mentioned in that relevant section or at the rate of 20% whichever is higher. या तो 20% या उस section का rate whichever is higher. However, however का मतलब लेकिन किंतु परंतु. Under section 194 IB, subsection 4, the maximum TDS liability would be the amount of rent payable for the last month. आखिरी महीने का जो रेंट होगा, last month का जो रेंट होगा, उस आखिरी महीने के रेंट के बराबर का ही maximum हम आपका वो TDS कर सकते हैं, उससे ज्यादा का TDS नहीं कर सकते हैं. तो दैट मीन्स 20% वाली लिमिट यहां से गायब हो जाएगी.
कैसे होगा, एग्जाम्पल देखते हैं, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ऑन 1st of June 2017 मिस्टर एक्स एग्रीड टू पे रेंट ऑफ 60,000 rupees पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हाउस टू मिस्टर वाई। तो एक व्यक्ति है वाई जो कि मकान मालिक है, ओनर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी एक्स को किराए पे दे दी है। रेंट कितना है? 60,000 rupees पर मंथ का रेंट है। देयर इज नो पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। एग्री कर रहा है कि मैं 60,000 rupees का रेंट दूंगा, लेकिन उसे रेंट बिल्कुल भी नहीं दिया है। हाउएवर द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अमाउंट ऑफ अकाउंट ऑफ वाई ऑन 15th of March 2018। तो पूरे ईयर का रेंट वो कब पे कर रहा है? वो पे कर रहा है मार्च 15th को। तो जरा नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? जून में दिया था, तो याद रखना जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सो वी हैव हाउ मेनी मंथ्स? 10 months। सो 10 months मीन्स 60,000 rupees 1 month का, तो 10 months का इट विल कम टू 6 lakh rupees। 6 lakh rupees का रेंट है। 6 lakh rupees का अगर हम लोग TDS का अमाउंट कैलकुलेट करें तो 6 lakh rupees का 5%, 6 lakh का 5% कम्स टू 30,000 rupees का TDS करना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देख लें TDS कितना होगा, 6 lakh rupees का रेंट आ गया, 6 lakh का मैक्सिमम 5%, 30,000 का TDS करें तो 6 lakh माइनस 30,000 विल बी 5 lakh 70,000। 5 lakh 70,000 का अमाउंट, नेट अमाउंट हैज टू बी पेड टू द, हैज टू बी पेड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि साहब मान लो, अब सुनना ध्यान से बात को, मान लो कि अगर मकान मालिक ने वाई ने एक्स को अपना पैन नंबर इन्फॉर्म ना किया होता, तो अगर वाई ने एक्स को अपना पैन नंबर इन्फॉर्म ना किया होता तो क्या होता उस केस में? मैक्सिमम टीडीएस वुड हैव बीन रेंट ऑफ 1 month, दैट इज 60,000। ठीक, ये कौन से सिचुएशन में, ये कौन से सिचुएशन में लिख लो, इफ वाई दैट इज पेई हैज नॉट इन्फॉर्म्ड, हैज नॉट इन्फॉर्म्ड पैन टू एक्स दैट इज पेयर। अगर पेई ने पेयर को अपना पैन नंबर इन्फॉर्म नहीं किया तो मैक्सिमम टीडीएस वुड बी 60,000 rupees, दैट इज रेंट ऑफ 1 month। तो एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको करवा दिया, इसके बाद और भी 3 इलस्ट्रेशन या 4 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, एक बार प्लीज उनको अपने आप कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट किसी प्रकार का हो तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिएगा, jaspreetjohar@gmail.com। आप मेरे को ईमेल्स कर सकते हैं, मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट मी मूव अहेड। मेरे बच्चे, 194IC नाम का एक नया सेक्शन आया। ये नया सेक्शन 194IC किससे रिलेटेड है? आइए जरा एक बार मैं कैपिटल गेन्स के चैप्टर पे वापस चलता हूँ। कैपिटल गेन्स के चैप्टर पे एक बार मैं वापस आ गया। कैपिटल गेन्स का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपने TDS का वीडियो देखना है, समझना है TDS का ये चैप्टर, तो एक बार कैपिटल गेन्स का वीडियो उससे पहले जरूर देखिएगा। कैपिटल गेन्स में मैंने आपको सेक्शन करवाया था ये वाला स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का ये वाला कंसेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं। आपको याद होगा कंसेप्ट क्या था? एक्स के पास बिल्डिंग है, जमीन है, और एक्स के पास एक पुरानी सी बिल्डिंग बनी हुई है। एक्स ने एक बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। एक्स ने बिल्डर को कहा कि मेरी जमीन के ऊपर तुम एक बढ़िया सी बिल्डिंग बना दो, साथ में लिफ्ट बना देना, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग होगी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बना देना, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर मेरे पास रहेगा, दैट मीन्स एक्स के पास रहेगा। एक्स इस बात के लिए एग्री करता है कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो बिल्डर को दे देगा, इसके साथ साथ में बिल्डर 50 लाख रुपए और एक्स को देगा।
बिल्डर क्या करेगा, इस जो फर्स्ट फ्लोर है, इस फर्स्ट फ्लोर को बेच के अपना कॉस्ट रिकवर कर लेगा। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, इस फर्स्ट फ्लोर का कॉस्ट प्लस इस फर्स्ट फ्लोर के लिए जो 50 लाख रुपए एक्स को दे रहा है, इन दोनों को बेच के अपना प्रॉफिट को ऐड करके अपना सारा खर्चा रिकवर कर लेगा। नाउ द कंसेप्ट इज कि जब एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे तो सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? द सेल कंसिडरेशन विल बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस द कैश दैट ही हैज रिसीव्ड। ये कंसेप्ट हम लोगों ने किया था, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्लस द कैश दैट ही हैज रिसीव्ड। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसका? जो सा फ्लोर उसने बिल्डर को दे दिया वो, प्लस जो कैश उसको मिला वो, दोनों को मिला के सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन है और कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ द होल ऑफ द लैंड। ये कंसेप्ट आप सबको अच्छे से याद है। नाउ इसी से रिलेटेड अरुण जेटली साहब ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया टीडीएस के अंदर। अरुण जेटली साहब ने कहा कि ये जो बिल्डर है, ये बिल्डर जब कैश दे रहा है तो बिल्डर इस कैश के ऊपर अब टीडीएस का भी एलिमेंट अप्लाई करेगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग जो है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग है, इसके ऊपर कुछ नहीं। जब ये बिल्डर ये कैश दे रहा है एक्स को, जब बिल्डर ने कैश दे रहा है एक्स को, तो इस कैश के ऊपर वो टीडीएस भी अप्लाई करेगा। अब आप पूछेंगे सर मान लो अगर बिल्डर कुछ कैश नहीं दे रहा और सिर्फ बिल्डिंग बना के दे रहा है तो क्या होगा? याद रखना, अगर बिल्डर कोई कैश नहीं दे रहा और बिल्डर सिर्फ बिल्डिंग बना के दे रहा है तो फिर उसके ऊपर कोई टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। टीडीएस अप्लाई उस केस में होगा जब वो कैश भी दे रहा है और बिल्डिंग भी बना के दे रहा है। अगर बिल्डिंग ही दे रहा है बना के, कैश नहीं दे रहा, तो फिर उस केस में टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। टीडीएस कौन करेगा? टीडीएस बिल्डर करेगा, क्योंकि बिल्डर यहां पे है पेयर। पेई कौन है? पेई है एक्स, जिसको ये पैसा मिल रहा है। सो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट से रिलेटेड सेक्शन बना दिया सरकार ने, अरुण जेटली साहब ने 194 आईसी, 194 आईसी, टीडीएस ऑन द पेमेंट, टीडीएस ऑन द पेमेंट अंडर द स्पेसिफाइड एग्रीमेंट 194 आईसी पेयर। ध्यान से देखिएगा बेटा, पेयर पेयर कौन है? एनी पर्सन हु एंटर्स इन टू द स्पेसिफाइड एग्रीमेंट विद द इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर पेइंग द कंसिडरेशन। तो यहाँ पे एनी पर्सन से हमारा मतलब क्या है? हम लोग यहाँ पे बिल्डर के बारे में बात कर रहे हैं, वो बिल्डर जो एग्रीमेंट कर रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए। पेई पेई कौन है? हमारे एग्जाम्पल में पेई वॉज द एक्स जो अपनी जमीन और बिल्डिंग दे रहा है। एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टीडीएस किस अमाउंट के ऊपर होगा? टीडीएस ऑन, बी केयरफुल, टीडीएस सिर्फ कैश एलिमेंट के ऊपर होगा। द टीडीएस शैल बी डन ओनली फ्रॉम द मॉनेटरी कंसिडरेशन, ओनली फ्रॉम द मॉनेटरी कंसिडरेशन, जो पैसा दिया गया है सिर्फ उसके ऊपर। टीडीएस शैल बी डन ओनली फ्रॉम द मॉनेटरी कंसिडरेशन विच इज पेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। इन अदर वर्ड्स, कंसिडरेशन इज पेबल इन काइंड, फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट इन द बिल्डिंग और गिविंग एनी अदर प्रॉपर्टी, देन टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। टाइम ऑफ टीडीएस, टीडीएस किस समय होगा? वही कंसेप्ट जो शुरू से करते आ रहे हैं, पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस का रेट क्या होगा? टीडीएस का रेट विल बी 10%, 10% के हिसाब से टीडीएस करना होगा। जितना कैश दिया उसका 10% एग्जम्पशन। बहुत बढ़िया कंसेप्ट अरुण जेटली साहब ने लगा दिया। There is no exemption limit, कोई exemption limit नहीं है। 5 लाख का कैश दिया तो भी टीडीएस, 50 हजार का कैश दिया तो भी टीडीएस, 5 करोड़ का टाइम कैश दिया तो भी टीडीएस। जितना भी कैश दिया जाएगा हर सिचुएशन में टीडीएस अप्लाई होगा। कोई एग्जेम्पशन अरुण जेटली साहब ने अलाउ नहीं किया है, नो एग्जेम्पशन हैज बीन अलाउड। फेयर इनफ। इसके बाद एक और छोटा सा, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 194J। 194J आप रिकॉल करें, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता था जे से याद कर लेना जसप्रीत, एज अ प्रोफेशनल
मैं जे जसप्रीत प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एज अ प्रोफेशनल जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उन सर्विसेज के ऊपर 194 जे में टीडीएस कटता है। जब मैं सर्विसेज देता हूँ मेरे को पैसा मिलता है, तो पैसा जब मिलता है तो पैसा देने वाला मेरे पैसे के ऊपर टीडीएस काट लेता है सेक्शन 194 जे में प्रोफेशनल सर्विसेज के हिसाब से। अब ये इस बात को समझाने के लिए जो अमेंडमेंट है, उस बात को समझाने के लिए कंसेप्ट को ध्यान से सुनेगा। आप सभी स्टूडेंट्स के घर पे किसी न किसी कंपनी का वाटर फिल्टर रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ सिस्टम जरूर होगा। लेट अस टॉक अबाउट केंट आरओ, केंट आरओ सिस्टम, केंट आरओ वाटर सिस्टम, वाटर प्योरिफायर सिस्टम, केंट आरओ वाले वाटर सिस्टम बनाते हैं। मान लीजिए कि केंट आरओ वाले अब वाटर सिस्टम जो बनाते हैं उसके सर्विस प्रोवाइडिंग का काम भी करते हैं। अब जब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनके पास बहुत सारे कॉल्स भी आते होंगे, और आपको याद है जब वो आप केंट आरओ की एड देखते हैं तो उसका नंबर भी आता है 1800101000, 1800 100 1000, मेरे को नंबर भी उनका याद है, बड़ा आसान सा नंबर है केंट आरओ वालों का। तो जब आप उस नंबर के ऊपर कॉल करते हैं तो ऑन द अदर साइड कोई ना कोई कॉल सेंटर पे वो कॉल रिसीव तो करता होगा। हियर कम्स द अमेंडमेंट कि अगर कोई पर्सन वो कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा है और उस पर्सन का काम सिर्फ कॉल सेंटर ऑपरेट करने का है, वो और कोई काम नहीं करता, ही इज रनिंग ओनली कॉल सेंटर, ओनली कॉल सेंटर, तो वो कॉल सेंटर किसके बिहाफ पे ऑपरेट कर रहा है? वो कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा है हमारे इस एग्जांपल में केंट आरओ के बिहाफ पे। तो केंट आरओ से उसको पैसा मिलता होगा, केंट आरओ के बिहाफ से उसको कॉल सेंटर वाले को पैसा मिलता होगा। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ओनली कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा है तो उसका टीडीएस का रेट हम 10% नहीं रखेंगे, टीडीएस का रेट कम करके 2% माना जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब वो ओनली कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा है, अगर कॉल सेंटर के साथ में कुछ और भी कर रहा है तो 2% नहीं होगा, फिर 10% चलेगा। ये छोटा सा अमेंडमेंट है, देखिएगा ध्यान से। टीडीएस ऑन फीस ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज सेक्शन 194 जे, रेट ऑफ टीडीएस इज 10%, ये 10% तो सब कुछ से याद है। हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु, रेट विल बी 2% इफ द पेई, पेई कंपनी जिसको मिल रहा है, इज एंगेज ओनली, ओनली सिर्फ इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। मैंने केंट आरओ का एग्जांपल दे दिया आपको यहां पे, ओनली कॉल सेंटर, सिर्फ कॉल सेंटर होना चाहिए, कुछ और नहीं। अगर कॉल सेंटर के अलावा कुछ और है तो फिर टीडीएस 2% का नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे सर कुछ और क्या हो जाएगा? भाई फिर कुछ और 10% का हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट 194LA में आया है, विच इज समथिंग नॉट वेरी रेलेवेंट, आप इसे स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर देना, समथिंग विच आई डू नॉट थिंक इज मच ऑफ रेलेवेंस, much in of relevance for say final, आप अपने level पे से छोड़ देना, something which is not very important. Advance tax में एक छोटा सा amendment है, दो साल पहले का एक amendment आपको याद होगा कि अगर किसी को dividend का amount मिल रहा है तो dividend का amount domestic company से जब मिलता है तो section 10 subsection 34 के हिसाब से वो dividend का amount exempt हो जाता है। लेकिन अरुण जेटली साहब ने अमेंडमेंट किया था, अमेंडमेंट ये था कि अगर डिविडेंड का अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो 10 लाख रुपए तक का तो हम लोग एग्जम्पशन दे देंगे, लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट होगा, मान लीजिए किसी का 11 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए तक तो छोड़ देंगे, एक्सेस अमाउंट जो 1 लाख रुपए का है उस एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए के ऊपर हम 10% का टैक्स चार्ज करेंगे सेक्शन 115BB DA के हिसाब से। Now the amendment is, क्या इस एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए को हम लोगों ने अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करना है?
आंसर इज यस, उसको हम लोग एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते समय भी इंक्लूड करेंगे. सो दिस इज वन वेरी स्मॉल अमेंडमेंट. अगर हम लोग अपनी चारों एडवांस टैक्स की लायबिलिटीज अपनी कैलकुलेट करके पे कर चुके हैं और 15 मार्च के बाद अगर हमें ये एडवांस टैक्स मिल रहा है तो 31 मार्च तक हम लोगों को अपना एडवांस टैक्स पे कर देना है. 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा. 31 मार्च के बाद पे करेंगे तो यस 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. ड्यू डेट ऑफ ITR तक अगर पे नहीं किया तो 234A का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा. अगर आपने सारा टैक्स पे कर दिया है, ITR सबमिट नहीं किया है तो 234A का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट नहीं होगा. डॉक्टर प्रणय रॉय का सुप्रीम कोर्ट का केस है. ये सारी बातें क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है. अगेन एडवांस टैक्स का ये अमेंडमेंट भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. दोस्तों इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स जो जिन चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स नहीं है फटाफट आपको वो बता देता हूं. डेफिनेशंस में कोई अमेंडमेंट नहीं है. रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई IPCC लेवल के लिए अमेंडमेंट नहीं है. इसके अलावा अगर हम लोग देखें एक बार तो देर इज नो अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, नो अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ सैलरी, नो अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम्स. सारे अमेंडमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं. नो अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम, नो अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम, और जहां जहां पे जो अमेंडमेंट्स थे वो सारे के सारे बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं. एंड एट दिस जंक्चर एट दिस पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड ऑल अमेंडमेंट सीरीज. बी इन टच विद मी. आपके लिए और बहुत सारी चीजें मैं कुछ दिनों में लेके आने वाला हूँ आपके मई एग्जाम से पहले. बाय बाय, लव यू ऑल, एंजॉय योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक.